फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का खूबसूरत सा प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में आपके साथ जो है ना अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी, क्या कुछ किया मैंने और क्या कुछ नहीं किया, सारा कुछ आपको बताऊंगी। और जैसा कि डेली व्लॉग्स में आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ, तो आज दरअसल क्या हुआ कि जैसे ही मैं दोपहर को आराम कर रही थी ना, तो मुझे आप ही की कॉल आ गई। और आज़िम तैयबा की जो मामा है ना, वो मेरी सबसे बड़ी जो है ना बहन है, बहन भाइयों में वही सबसे बड़ी है। और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने फिर चले जाना है अपने घर, और मैं वो अम्मी की तरफ आई हुई है ना, अम्मी की तरफ रहने के लिए आई हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ, तो मैंने कहा आ जाए आप बच्चों को लेके, क्योंकि आज़िम तैयबा जब भी आते हैं ना, रिशर मीजे जो है ना बड़ी हैप्पी हो जाती है। तो मैंने कहा चले, अभी इनके पेपर्स भी नहीं है, तो ये फिर बाद में उन्होंने पेपर्स में बिजी हो जाना है, तो ये आते हैं तो चले खेल लेंगी। और वैसे तो बच्चे जो है ना वो साथ वाले रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के दोनों जो बहनें थी ना वो स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, और उनकी टीचर भी आ चुकी थी। तो मुझे जैसे ही पता चला ना आप ही आने लगी और साथ में भाभी ने आना था, तो मैं उठ खड़ी हुई हूँ और साथ ही मैंने कमरे को सेट वेट कर लिया है। और जब इस तरह आपको पता चले ना कोई मेहमान आने वाला है, तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी पड़ जाती है। और अगर एक दिन पहले का पता हो ना, तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन मुझे जो है ना उसी दिन पता चला, तो फिर सब कुछ जो है ना घर में मौजूद पड़ा था, अल्लाह का शुक्र है। और इनके बाबा मुझे चिकन वगैरह जो है ना पहले से ही उन्होंने ला के रखा हुआ था, तो फिर इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो आज मैंने सोचा कि मैं उनके लिए स्पेगेटी जो है वो तैयार कर लेती हूँ, और दूसरी तरफ जो मैंने चिकन के पीसेस तैयार किए हैं वो मैं बनाऊंगी, ब्रेड के ऊपर जो चिकन चीज पिज्जा टाइप जो होता है ना वो बना लूंगी, क्योंकि मैंने डो वगैरह तो कोई तैयार नहीं थी की। और जब इस तरह कोई अर्जेंट मेहमान आ जाए ना, तो फिर डो वगैरह तो तैयार की नहीं जाती, क्योंकि उस पर मैक्सिमम जो है ना 2 घंटे तो लगते ही है। तो यहाँ पर जी मैं अब ब्रेड की टॉपिंग के लिए तैयार कर रही थी चिकन को, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल दिया था, और जो है ना जल्दी जल्दी काम कर रही थी सारे। और एक तरफ जो है मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी, एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ ये इसकी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो है ना स्पैगेटी को तैयार करूंगी, और ये जो है मैं चाय के साथ फिर रखूंगी आपी वगैरह के आगे। आपी और जो भाभी है ना वो आ चुकी थी, और मैंने उनको रूम में बिठा दिया था, और वो अंदर बैठी थी, और मैंने पानी वगैरह सर्व कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है ना मैं कुकिंग की तरफ लग गई थी, क्योंकि कोई मेहमान आए, कोई भी गेस्ट आए ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं ही हूँ घर की जो समझ लें कि मालकिन, तो फिर मैं ही हूँ, और मैंने ही ना सारा कुछ मैनेज करना होता है, और मैं ही किचन में ज्यादा होती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अब बनाने लगी थी स्पैगेटी की, जो चिकन है उसको हम तैयार करने लगे थे। अच्छा, मैंने ना अपनी पिछली वीडियोस में भी ना बताया था आपको ये किस तरह मैंने बनाया है, जब आप ही आई थी ना, मेरी नंद आई थी, तो तब भी मैंने इसको तैयार करने की कोशिश की थी। तो अब भी बिल्कुल वही वाला सेम तरीका होगा। मैंने क्या किया है, चिकन के अंदर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल दिया था, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, और चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल के, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद हम ऑयल थोड़ा सा लेंगे, उसके अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई में ज्यादा टेस्टी मुझे ये लगा था, क्योंकि पिछली बार मैंने थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डाल दिया था, इस बार मैंने कम, मैंने कहा इसी जो है ना सारे मिक्सचर में बाकी चीजें भी ऐड हो जाएंगी, इसलिए मैंने ऑयल का थोड़ा सा ना कम यूज किया है। तो इसके अलावा जी मुझे बहुत ज्यादा जो आप सबके कमेंट्स में देखने को मिलते हैं, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और साथ में यूट्यूब पे भी, अब तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं, माशाल्लाह से सिस्टर्स हैं, जो डेली बेस पे मेरे व्लॉग को देखती हैं, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब उनका कमेंट्स आता है और मैं देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होती हूँ। तो यकीन माने जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं इंस्टाग्राम पर भी और साथ में टिकटॉक पे भी, बहुत सारी दुआएं मुझे दी जाती हैं, तो मैं जो है ना बहुत ज्यादा मेरा हौसला बढ़ जाता है, मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज, अच्छे अच्छा व्लॉग जो है ना कोशिश किया करूँ कि डेली बेस पे आपके साथ शेयर किया करूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है ना ये एक वीडियो को कैप्चर किया जाता है, और वीडियो कैप्चर करना ही सारा काम नहीं होता, इसके बाद एडिटिंग सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप सबका बहुत ज्यादा थैंक यू, और मैं हर बार जो है ना अपनी वीडियो में अक्सर कहती रहती हूँ कि जो सिस्टर मुझे कमेंट्स करती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स, उनके मैं रीड भी करती हूँ और रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, और उन टाइम भी निकालती हूँ उनके रिप्लाई के लिए। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसी तरह जब भी वीडियो आपको अच्छी लगा करे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी आपने अगर खाने के रिलेटेड, कोई भी वीडियो के रिलेटेड बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, मैं इसका इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर जी देखे, सारी वेजेस जो है ना उसी हमने कढ़ाई के अंदर ना डाल दी थी, और ये दरअसल मैं नहीं काम कर रही हूँ, ये भाभी काम कर रही है। मुझे जब भी वो आती है ना माशाल्लाह से, वो इसी तरह जो है ना किचन में मेरे साथ लग जाती है, और मुझे कहती है कि जो कोई काम है ना करने वाला वो मुझे बताया, मैं फौरन आपके साथ करवाती हूँ। और एक और मजे की बात है आपको बताती हूँ, दूसरी तरफ जो आपको नजर आ रहा है ना पकने के लिए, वो मैंने नहीं रखा, वो बढ़िया पी ने रखा है, वो कह रही थी मैं कढ़ाई बनाती हूँ, तो मैंने फौरन से उनको चिकन वगैरह साफ कर दिया। अच्छा, हमारे घर में ना बड़ा इस तरह का माहौल है कि जब इकट्ठे हुए हो ना, तो फिर सारे मिलजुल के ना सारे काम कर लेते हैं। अब अम्मी की तरफ ये होती है ना तीनों, मसलन सारा, अम्मी और ये भाभी होती है ना, तो ये इसी तरह ना पूरे काम को मैनेज कर लेती है, एक जानी चिकन साफ कर लेती है,
एक जानी जो है वो खाना तैयार कर लेती है, दूसरी सर्व कर लेती है, तो इनका जो है ना बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और मेरी तरफ जो है प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि मेरी बेटियां अभी छोटी छोटी हैं और मैं अभी उनसे काम कोई अभी क्या बाद में भी नहीं करवाना चाहती, तो मैं हिम्मत करके ना खुद ही जो है ना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला की हिम्मत से ही होता है और अल्लाह के मदद के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह की मदद से, अल्लाह ताला ने जो हिम्मत दी होती है ना, तो मैं भी सारे काम जो है ना इस तरह कर लेती हूँ और हिम्मत आ ही जाती है। जब अल्लाह से आप कुछ मांगते हैं ना तो वो जरूर देता है, अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। तो जनाब यहाँ पे जो स्पेगेटी है उसको हमने बॉयल कर लिया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था क्लिप में, और इसको जी शामिल कर दिया है। और ये देखें भाभी जो है ना इसकी पहले सारी बुनाई वगैरह कर रही थी, अब इसकी मिक्सिंग जो है ना मैं कर रही हूँ। और आपको पता चलता जा रहा होगा कि पहले जो थी वो भाभी थी और अब जो काम कर रही है ना वो मैं हूँ। और यहाँ पर जी अब मैं इसको डिश आउट करने लगी थी, डालने लगी थी डिश में, और अंदर उनको मैंने भेज दिया था, आप लोग जाके बैठे, मैं खुद ही अब लेके आती हूँ और आपके आगे रखती हूँ। और अरिशर मिर्जा तो अभी तक टीचर के पास पढ़ रही थी क्योंकि आगे इनके पेपर्स आने वाले हैं, इस वजह से मैं चाह रही थी कि पूरा इनका ध्यान जो है ना स्टडी की तरफ हो, और एनुअल पेपर में बहुत ज्यादा फिर मुझे टेंशन हो जाती है। तो माशाल्लाह से अभी इन्होंने वन क्लास में हो जाना दोनों बहनों ने। तो ये देखे जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, चिकन के जो हमने पीसेस तैयार किए थे, जो उसका सारा केचप वगैरह डाल के हमने इसका सारा जो मिक्सर तैयार किया था उसको जैसे ही मैंने इसके ऊपर डाला है तो इसकी जो लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह ना आप किसी दावत वगैरह के फंक्शन में भी आप इस तरह की चीजें ना बनाकर तो आगे रख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है दावत के फंक्शन में भी ये चीज है ना, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो चाइनीज चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मेरी तो ये फेवरेट है। और लेकिन ना आजकल मैं इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं करती इसको बनाने की क्योंकि स्पेशल इसके लिए सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन आज जो है अभी वगैरह आई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब बना ही लेती हूँ हिम्मत करके। अब इसको मैं अंदर उनको देख कर आई थी तो यहाँ पर जी एक साइड पर देखे चाय बन रही है और दूसरी तरफ चिकन कढ़ाई तैयार हो रही थी, वो आप ही ने उसका सारा कुछ किया था और मैंने उनको बनाते हुए नहीं देखा उन्होंने किस तरह जो है ना कढ़ाई तैयार किया है। उन्होंने ना अपने मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक बनानी थी, बच्चों को जिस तरह की मिर्चें वगैरह लाइट पसंद है इस वजह से वो फिर वो अपनी मर्जी के बनाती हैं। और यहाँ पर जी मैंने जो है सैंडविच ब्रेड ली है दो पीसेस, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस टाइम यही वाले पड़े हुए थे, अगर इनके पापा घर में होते ना तो उन्होंने फ्रेश जो है ना फौरन से ले आनी, लेकिन ये जो है ना एक दो दिन पहले की है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है हम लगाते हैं केचप, और ये अभी भी बिल्कुल फ्रेश थी तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना हम पिज्जे को लुक देके ना पिज्जे की लुक देके तो इसको तैयार करते हैं। वैसे मैंने बच्चों के लिए दूसरी ब्रेड तैयार कर ली थी और ये मैं भाभी और आपी के लिए बना रही थी यहाँ पर चाय के साथ, मैंने कहा चला इंजॉय कर लेंगी। और जो है भाभी वो अंदर नमाज पढ़ने लग गई थी, फिर कह रही थी कि मैं नमाज पढ़ के इसके बाद फिर इसको खाऊंगी और इंजॉय करूंगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज जो है इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी थी और इसको मैंने जो है ना श्रेड करके रख लिया था। मैं क्या करती हूँ कि इसको ना जब हमने कोई ऐसी चीज बनानी होती है ना तो मैं इसको एक दो घंटे बाहर जो है ना रख देती, क्योंकि मैं इसको फ्रीज करती हूँ ना तो ये बर्फ की तरह जो होती है ना हार्ड भी होती है, इसलिए मुझे इसको एक दो घंटे बाहर निकाल के रखना पड़ता है। अच्छा ये जो वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं ना मैंने इनको क्या किया है, छोटा छोटा चॉप किया था ताकि ना बच्चों को जो है ना इतनी नजर ना आए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। मैंने ना सारी जो वेजिटेबल्स है ना प्याज और शिमला मिर्च साथ में टमाटर इन तीनों चीजों को ना मैंने हल्का सा बॉयल दे दिया था, और इससे ये होगा कि ये जो है ना कच्ची कच्ची नहीं फिर आएंगी जब, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड को हम इतना ज्यादा सेक नहीं दिलवाते नीचे से, और जितना ज्यादा सेक दिलवाएंगे वो सारी काली हो जाएगी और सारी मेहनत जो है ना वो इंसान की जाया हो जाती है। इस वजह से मैंने क्या किया इनको बॉईल कर लिया ताकि जब इसको फौरन से ना चीज तो मेल्ट हो ही जाती है ना, तो मैंने इसको जो है ना कवर करके जब रखना था ना तो बस इसने फौरन से तैयार हो जाना था, क्योंकि ये नॉन स्टिक जो है ना तवा टाइप जो है पैन इसको हीटअप होने में ना बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसको मैंने कवर कर दिया था, चाय भी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, इसको मैं अब कप में डालूंगी और साथ में जैसे ही ये ब्रेड तैयार होगी ना तो इसको मैं कट करके भी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखे जनाब ये साइड पर जो है चिकन कढ़ाई हमारी तकरीबन जो है ना तैयार होने वाली थी, इसके साथ मैंने रोटियों का अरेंज करना था लेकिन मैंने उनको घर में बनाना नहीं था, क्योंकि जब कोई मेहमान आते हैं ना तो मैं घर में नहीं रोटियां वगैरह बनाती, फिर मैं तंदूर से मंगवा लेती हूँ। तो जैसे ही कढ़ाई बननी थी मैंने आजिन को भेजना था, उसने फौरन से जो है ना खाला को रोटियां ला के दे देनी थी, तो ये मेरे लिए आसानी थी कि आजिन साथ आ गया था और वो उसको मैं फिर भेजती हूँ ना वो फौरन से बच्चा जो है ना चला जाता। तो ये देखे और ये खाने में इतना क्रिस्पी और इतना मजे का होता है ना, तो बहुत मजे का ये तैयार होता है। तो खैर यहाँ पे ये डन हो चुका था, तैयार हो चुका था, तो मैं अब जो है ना भाभी को इसको शेयर करने लगी थी और आपी का मैं फिर जो है ना बाद में कट करूंगी, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि मैं अभी खाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये मैंने भाभी का जो है ना कट करके आपको दिखाया है, इस तरह बहुत टेस्टी जो है ना झटपट आप घर में तैयार कर सकती है। तो अब जी कढ़ाई भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और साइड पे अब मैंने बच्चों के लिए जो है ना ब्रेड को तैयार कर लिया था, क्योंकि आज इन कह रहा था खाला पहले मैं खा के तो फिर ही मैं जाऊंगा तंदूर से रोटियां लेने। मैंने कहा बच्चों की
भी फिर ख्वाहिश को मानना चाहिए जी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको देती हूँ, आप खाओ इसको, एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, आज का व्लॉग आपने जरूर एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।